हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो करने जा रही हूँ जो कि है मेरे मेकअप कलेक्शन के बारे में। मेरी कुछ क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपना मेकअप कलेक्शन दिखाऊँ। तो मेरे पास वैसे ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं है बिकॉज अभी मेरा इनिशियल स्टेज है एक यूट्यूब की स्क्रीन पे, बट एज मुझे शौक़ पहले भी था और अभी भी है, तो इस शौक़ की वजह से मैं यूट्यूब में आई हूँ। तो थोड़ा बहुत मेकअप तो मैं ऑलरेडी रखती थी, बट अभी उतना ज़्यादा नहीं है। जो भी है मैं वो दिखा दूँगी। प्लीज़ कोई भी लोग नेगेटिव कमेंट या जज मत करिएगा। ये मेरा पैशन था, इस वजह से मुझे मेकअप कलेक्शन बहुत अच्छा भी लगता था। प्लस अब तो ये मेरी जॉब, मेरी ड्यूटी हो गई है, तो मेकअप कलेक्शन जब तक कलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे अलग अलग लुक क्रिएट करके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का जो बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और साथ में जो उसके बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, बाद में आप लोग मेरे भी भूल जाए लाइक करने के लिए, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट टॉप पर एक डिब्बा है जिसमें मैंने अपने ब्रशेज रखे हुए हैं। ये एक मिरर है जिसका मैं डेली यूज़ करती हूँ जब मैं मेकअप करती हूँ। एंड दीज आर सम अदर ब्रशेज। ये मेरे सबसे फर्स्ट एवर ब्रशेज है, सबसे पहले मैंने इनको अपने मंगाया था जब मेकअप करना स्टार्ट किया था। एंड हेयर आर माई सम स्पंजेस, इसमें छोटे बड़े हर टाइप के स्पंजेस हैं, कुछ आईज के लिए कुछ फेस के लिए। ये है मेकअप ब्रश का क्लीनर जो मुझे, ये वाले ब्रश मैंने जब मंगवाए थे तो मुझे फ्री में मिला था। नाउ यहाँ पर एक बास्केट आती है जिसमें मेरे कुछ रैंडम स्टफ रखे हुए हैं, जैसे ये लिप ग्लॉस है, ये एक लिपस्टिक, ये नेल रिमूवर एंड ये एक लिप टिंट। एंड फिर ये यहाँ पर आता है एम कैफीन का बॉक्स, अंदर जगह नहीं थी तो मैंने इसको ऊपर ही रख लिया है। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाई दिया, इसको आप देख ही चुके होंगे, तो इसको मैं रहन देती हूँ दिखाने के लिए, क्यों वीडियो बड़ी की जाए। फिर आती है हमारी फर्स्ट ड्रॉअर की बारी जिसमें मेरे सारे स्किन केयर मोस्ट ऑफ द रखे हुए हैं, बिकॉज पहली ड्रॉअर है। एंड स्किन केयर ऐसी चीज़ है जो मैं डेली बेसिस पे करना पसंद करती हूँ, इस वजह से सबसे पहले ड्रॉअर में स्किन केयर ही रखे हुए हैं। सबसे पहले ये गुड वाइब्स के टोनर हैं एंड दिस इज़ अ DIY आईब्रो जेल, आईब्रो एंड आई लैशेस दोनों का। दिस इज स्ट्रॉबेरी लिप बाम और इसके नीचे है लिप स्क्रबर, ये भी गुड वाइब्स के ही हैं। ये माइसला वाटर है एंड दिस इज़ माई, वैसे ये ख़त्म हो गया है। ये जॉनसन्स बेबी का ऑयल है, इसी से मैं अपना फेस क्लीन करना पसंद करती हूँ। मुझे माइसलर वाटर, ये तो मुझे गिफ्ट में मिला था तो माइसलर वाटर मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, वैसे अभी मैंने शायद एक ही बार इसको यूज़ किया है। एंड टोनर में सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल टोनर रोज़ टोनर, ये प्लम का ग्रीन टी का फेस मास्क है एंड ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल का फेस वॉश है। ये दोनों ही मुझे आई थिंक मैंने कुछ आइटम मंगवाए थे तो मुझे फ्री में मिले थे। दिस इज़ अ बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर। यहाँ पर ये दो गुड वाइब्स के फेस सीरम है जो मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस इज़ अ नाइट क्रीम एंड ये एक जेल है। एंड ये पीछे लोटस की दो क्रीम रखी हुई हैं, एक जाड़े की और एक गर्मी की, मैंने दोनों एक साथ ही रखी हैं। देन हेयर इज़ अ सनस्क्रीन, लोटस की है। एंड दिस इज़ अ गुड वाइब्स का पपाया स्क्रब, उसके नीचे है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल एंड इसके नीचे है मामा अर्थ का हल्दी एंड उपटन का फेस मास्क। और यहाँ पर मेरे दो से तीन लेंसेज रखे हुए हैं जिसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है एंड मैं सुपर सून ट्राई करूँगी, वो भी ऑन कैमरा, बिकॉज ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे तो मैं ट्राई नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाते बनाते ट्राई करें जिससे मुझे हो कि नहीं नहीं लगाना है। अब बारी आती है दूसरे ड्रॉअर की जिसमें मेरे सारे आई मेकअप का सामान रखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द के सारा आई मेकअप का सामान इसी में रखा हुआ है। तो हेयर आर माई सम आई लैशेज जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी। ये है आई लैशेज के ग्लू। अभी एस मेरे पास इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है, कहने को है भी बट वैसे नहीं भी है, तो अलग अलग पोर्शन डिवाइड नहीं कर पाई हूँ, जितना ऐसा हो पाया उतना रखा हुआ है। यहाँ पे सब रैंडम सामान है आईज से जुड़ा हुआ ही, आईब्रो किट है और इसमें सारे मस्कारा लाइनर, जितने भी मस्कारा और लाइनर काजल ये सब इसी में ही रखा हुआ है ऐसे ही। इसमें शुगर का है, मेबेलिन का है, स्विस ब्यूटी का है एंड सेम वे में आईलाइनर भी। ये तीन मस्कारा है मेरे पास, एक स्विस ब्यूटी का, मेबेलिन का एंड ब्लू हेवन का। हेयर सम आईलाइनर जैसे ये लैक्मे का, NYB का, स्टेक वेर की का, शुगर का
एंड देन दिस इज अगेन एन वाई बे सिल्वरिश आईलाइनर है और यहाँ पे कुछ रैंडम काजल है, एक ग्रे काजल है, ब्लू काजल है, ग्रीन काजल है, स्केच लाइनर आई थिंक ये ब्लू हेवन का था या किस चीज़ का था, डोंट नो, या दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन। अब बारी आती है आई शेडो की, हेयर टू पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये ऐसे ही मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था बहुत पहले। एक छोटू सा टीनी मिनी सा है वेट एंड वाइल्ड का ग्रीन कलर का आई शेडो एंड दिस इज अ निका के का 23 पैलेट का सेट आई शेडो का, इसमें ब्लश ऑन भी है। एंड ये कलर बोल्ड का कोकोआ अर्बन का आई शेडो है ब्यूटी वेस का, इसका मैं फुल रिव्यू अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। ये मैबेलिन का डुअल शेड आई शेडो है। बस आई शेडो मेरे पास इतने ही है, ज़्यादा अभी इस टाइम नहीं है, ऐसे ही मेरा इनिशियल स्टेज ही है। इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने पहले ही खरीदे हुए थे जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, एंड थोड़े बहुत ऐसे हैं जो मैं यूट्यूब पे आने के बाद मैंने बाय किए हैं, एंड जो यूट्यूब पे आने के बाद मैंने बाय किए हैं वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। थर्ड ड्रॉर, इसमें मेरा फुल फेस मेकअप है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमर की, दिस इज़ अ इनसाइड प्राइमर 3-in-1, दिस इज़ अ स्टे क्विकी का प्राइमर, ऑयल प्राइमर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन एंड दिस इज़ फ्रॉम NY Bay जो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की, तो ये यहाँ पे लक्मे 9 to 5 क्रीम है। दिस इज़ अ वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन, ये मेबेलिन का है, 128 मेरा इसमें शेड है, इसका छोटा सा वर्जन है। और इसके बाद ये मेबेलिन का 24 आवर का सुपर स्टे फाउंडेशन है, हेयर स्टेक वेयर की फाउंडेशन, एंड ये भी स्टेक वेयर की का बीबी क्रीम है। ये स्विस ब्यूटी का लाइट वेट फाउंडेशन है। ये मेबेलिन फिट मी का मैटलेस पोर कॉम्पैक्ट पाउडर है, दिस इज़ फ्रॉम शुगर, मेबेलिन का लूज पाउडर है, ये अगेन मेबेलिन का लूज पाउडर है, सॉरी कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये मेरा फर्स्ट एवर पाउडर है। नाउ हेयर आर सम कंसीलर, ये सबसे पहला मास्क का कंसीलर था, ये ड्यूओ कंसीलर था, एंड ये इनसाइट का था, ये आई डोंट नो कोई लोकल ब्रांड का कंसीलर है, ये भी मैंने बहुत पहले खरीदा था। NY Bay का स्टिक कंसीलर है, ये स्टिक वर्की का कंसीलर है, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। दिस इज अ ऑक्सी ग्लो का हर्बल ऑयल, दिस इज अ काइंड ऑफ सीरम। अब आती है थोड़े बहुत हाईलाइटर की बारी, दिस इज़ अ आइकॉनिक लंडन का हाईलाइटर, दिस इज़ अ स्विस ब्यूटी हाईलाइटर, ये स्ट्रोक क्रीम है, एंड दिस इज़ अ इनसाइट हाईलाइटर, ये स्टिक हाईलाइटर है, एंड आई एम हैविंग वन पाउडर हाईलाइटर टू, ये वेट एंड वाइल्ड का पाउडर हाईलाइटर है। अब यहाँ पर बारी आती थोड़े से कॉन्टोर वगैरह की, तो ये NY Bay की कॉन्टोर पैलेट है, ये इनसाइट की कंसीलर पैलेट है, एंड दिस इज़ अ शुगर का ब्रॉन्जर, एंड दिस इज़ अ स्टेक वर्की का चिकी गर्ल ब्लश। ये लोकल मार्केट से खरीदा हुआ एक पैलेट है जिसमें ब्रॉन्जर भी है, ब्लश भी है, एंड थोड़ा सा हाइलाइटिंग पार्ट भी है। और फिर यहाँ पर चिकी ग्लो ब्लश आता है स्टेक वर्की का, दोनों अलग अलग शेड के हैं, एंड दिस इज़ अ स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट। नाउ फोर्थ ड्रॉर, और इसमें सारी लिपस्टिक्स हैं। अब मैं लिपस्टिक एक एक अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इसमें लाइनर्स हैं और 2 से 3 लिप लाइनर्स होंगे, बाकी सारी मोस्ट ऑफ द लिपस्टिक्स ही हैं। और इसमें ब्लू हेवन, स्टेक वेयर की, पर्पल, NY Bay, लैक्मे, मेबेलिन, एलिटीन, हर एक ब्रांड की लिपस्टिक्स है। कभी एक अलग से मैं कोई वीडियो बना देंगी जिसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स ही होंगी, या इनसाइड भी है इसमें। अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, फर्स्ट वीडियो है, लोग बोर ना हो जाएं, इस वजह से लिपस्टिक का कलेक्शन पूरा प्रॉपर अभी नहीं दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं है बट जितनी भी हैं। और ये अलग से स्टेक वेयर की मिनी लिपस्टिक्स हैं, एंड 2 मेकअप फिक्सर है मेरे पास, एक स्विस ब्यूटी का है, एक ब्लू हेवन का है जो यहाँ पर लेट गया है। ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इस वजह से इसको लिटा के रखते हैं। ये फिफ्थ एंड लास्ट ड्रॉर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़े से स्किन केयर रखे हुए हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हुए हैं, वो ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जैसे लिवॉन का सीरम, ये काफ़ी अच्छा सीरम मुझे लगा डिटेंगल करने के लिए। ऐसे ये गुड वाइब्स का लोशन है, एंड दिस इज़ अ सनस्क्रीन, दिस इज़ अ फेशियल एसेंस, एंड दिस इज़ अ अंडर आई सीरम, एंड ये बायोटेक का मॉइस्चराइज़र है। मेरे पास मामा अर्थ की फुल रेंज है जिसमें कंडीशनर, शैम्पू, एंड उसके बाद ही हेयर टॉनिक। ये 2 एसेंशियल ऑयल हैं, एक अनियन का है और एक टी ट्री का है, दिस इज़ फॉर फेस, दिस इज़ फॉर हेयर।
ये इत्र टाइप का है कुछ, ये पापा को मैंने गिफ्ट में मिला था, पता नहीं उनके बॉस कहाँ से लेके आए थे, लंदन या पेरिस कहाँ से लेके आए थे, तो ये वो है, काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ बिकॉज की स्मेल बहुत अच्छी है। एंड ये यहाँ पर चारकोल पाउडर है एंड ये रोज़ पेटल पाउडर है। ये दो शीट मास्क हैं, एक हनी का है एक लेमन का है। यहाँ पर ये वेट वाइप्स हैं, ये कॉटन बॉल्स हैं एंड ये एक पाउडर है एल्प्स गुडनेस का, एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड पाउडर। बस इतना सही सामान है फिलहाल मेरे पास। होपफुली जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊँगी मेरे सामान भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये रहा मेरा छोटा सा मेकअप कलेक्शन, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा एंड जो मेरी छोटी छोटी सब्सक्राइबर है उनको भी मैं सेटिस्फाई कर सकी होंगी उनके अकॉर्डिंग जो मैंने आज वीडियो बनाई है इस वजह से। सो आई लव यू ऑल टू माई सब्सक्राइबर, बाय, टेक केयर, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो।